नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पीआरबी मत्स्य यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद लिख करके किया गया फ्लैग पोस्ट। यूनिवर्सिटी छात्र के अभिभावक ने पुलिस कंट्रोल को किया सूचित। छात्रों के भविष्य पर अभिभावकों को मंडराता दिख रहा है खतरा। वहीं अभिभावकों ने उचित कार्रवाई की मांग की है, होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। आप देख रहे हैं पल पल। रेवाड़ी से महेंद्र भारती की विशेष रिपोर्ट। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का एक और मामला राजस्थान के अलवर स्थित आरआरबी मत्स्य यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक करने का आया। इतना ही नहीं बल्कि वेबसाइट को हैक कर उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने के साथ ही पाक का फ्लैग भी पोस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का उस समय खुलासा हुआ जब रेवाड़ी के रहने वाला एक अभिभावक जीतराम छात्र के अभिभावक ने साइट को खोल करके अपने बच्चे के रोल नंबर जानने की कोशिश की थी। जैसे ही साइट खोली गई उसमें लिखे मैसेज को देख करके जीतराम दंग रह गया और उसने तुरंत यूनिवर्सिटी प्रबंधक को फ़ोन लगाया। उन्हें साइट हैक होने की जानकारी भी दी। यूनिवर्सिटी की साइट हैक होने के बाद में अभिभावक जांच की मांग कर रहे हैं। वेबसाइट यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही के चलते हैक कर ली गई है। वेबसाइट पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है और यह यूनिवर्सिटी जब से बनी है तब से ही लापरवाही को लेकर के सुर्खियों में रही है। वहीं अब वेबसाइट हैक होने के बाद में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इससे पहले भी एक वेबसाइट हैक हो चुकी थी जिस पर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया और उसी लापरवाही के चलते दोबारा हैक कर ली गई है और इस समय सभी कॉलेजों की परीक्षाएँ चल रही है। ऐसे में इस तरह का वाक्य सामने आया है। देखने का विषय यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी कोई ठोस कदम उठाता है या फिर छात्रों के भविष्य पर खतरा था यूं ही मंडराता रहेगा। यूनिवर्सिटी के कुलपति भरत सिंह का और उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इसकी सूचना लगते ही कार्रवाई जारी है और इस संबंध में मामला दर्ज कराया जाएगा और अब वेबसाइटों के साथ सिक्योरिटी टूल जैसे समाधान भी जल्द जोड़े जाएंगे। अब देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। आज सुबह लगभग 5:45 बजे जब मैंने कंप्यूटर अपना ऑन किया और बच्चे की डेट शीट जानना चाहा तो उस पर लिखा हुआ था हैक बाय ब्लैक स्कॉर्पियन और नीचे एंटी नेशनल स्लोगन्स लिखे हुए थे, कुछ फोटो डले हुए थे। इससे मेरे को जो देश विरोधी गतिविधियों का संदेह हुआ तो मैंने विभिन्न अथॉरिटी से कांटेक्ट करने के प्रयास में एसपी अलवर से मेरी बात हुई कि राजऋषि मत्स्य अलवर यूनिवर्सिटी राजस्थान की वेबसाइट हैक हो गई है, इसके डाटा बचाने हेतु आप जो भी उचित कदम उठा सकते हैं वो उठाएं, इसके आगे मेरी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई है। बताएं यूनिवर्सिटी की जो साइट हैक हो गई पाकिस्तान जिंदाबाद और इस तरह हैक्ड बाय ब्लैक स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, क्या रीज़न रहा, कैसे जानकारी हुई? ये मेरी जानकारी में आया है तो इसको फिर ठीक करा दिया गया है और हमारी यूनिवर्सिटी का कोई डाटा ऐसा कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई है, सही चल रहा है और इस पर निश्चित रूप से जिनका भी वो है तो उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि इस पर कठोर कार्रवाई पुलिस करे। ऐसे किसी की जिसकी भी हरकत हो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे। सर, सिक्योरिटी टूल्स की कमी देखी गई तो ऐसा नहीं लगता आपको कि इतने बड़े मतलब यूनिवर्सिटी जैसी वेबसाइट है? हमारी साइट तो बिल्कुल सही चल रही है, सही आंकड़े है, सारा रिजल्ट का और सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही चल रही है। ये पता नहीं कहाँ का किसी अराजक तत्व या किसी संगठन या किसके द्वारा ये है, ये अब इसकी छानबान की जाएगी, पुलिस के द्वारा इंक्वायरी की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। जैसा जानकारी में आ रहा है कि उसमें सिक्योरिटी टूल्स की अपडेट्स नहीं है तो उसको क्या आप करवाएंगे? ये जहाँ जो भी आवश्यकता होगी उस अनुसार हम कार्रवाई करेंगे।